बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्तन जी आगे फटाफट से क्योंकि ब्रेक पर जाना है, उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि आप पिछले कल से अभी तक क्या कुछ चल रहा है 2000 के नोटों को लेकर। सरकार ने खामोशी से डिमोनेटाइजेशन की 2000 के नोटों की। अगर इस डिमोनेटाइजेशन में कुछ वक्फा है, यानी अभी ये पैसा वैलिड है लेकिन आपने इसको बैंक में जमा करना है, और बैंक और आरबीआई की तरफ से ये लगातार ये कहा गया था कि सार्फिन के हकूक को पामाल नहीं किया जाएगा और सार्फिन के लिए हर मुमकिन सहूलियत रखी जाएगी। मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर बैंकों पर उठ रहे हैं सवाल, और ये कहा जा रहा है कि जनाब हैसल फ्री एक्सचेंज के लिए जो 2000 के नोटों की पॉलिसी आरबीआई की तरफ से फ्रेम की गई थी वो ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। मरकज और रियासती ताउन से चलने वाले बैंकों के अंदर चंद बैंकों को छोड़कर, यानी चंद ब्रांचेस को छोड़कर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर आधार तो कहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराने की बातें हो रही है, और यह साफ हो रहा है कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी कि कोई भी आदमी 20,000 तक के 20,000 रुपया तक जो है वो बैंक के अंदर जमा कर सकता है एक दिन के अंदर, और उसके लिए उसे कोई भी लिखा पढ़ी नहीं करनी होगी। चंद बैंक यानी मरकजी बैंक, चाहे एसबीआई का मरकजी ब्रांच हो, जेके बैंक का कोई मरकजी ब्रांच हो, पीएनबी का कोई मरकजी ब्रांच जम्मू कश्मीर के अंदर हो, वहां पर इस तरीके का व्यवस्था जरूर, अब इस तरीके का अरेंजमेंट आपको जरूर नजर आएगा, लेकिन रेस्ट गांव देहात के अंदर, तहसील्स के अंदर, वहां पर फॉर्म्स को सबमिट कराया जा रहा है, अननेसेसरी जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ा दी जा रही है, और ये साफ किया जा रहा है कि अभी तक उन्हें कोई भी वाजिया गाइडलाइन नहीं मिली है। एक बैंक के अंदर जहां पर मीडिया की नजर है वहां पर ऑल इज वेल, लेकिन जब आप मीडिया ग्लेयर से थोड़ा बाहर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट और तहसील्स तक आते हैं, तो पता लगता है कि जनाब 2000 का नोट जमा करने में आज के दिन, आज पहले दिन ही, यानी कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, पहले दिन ही लोगों के पसीने निकले हैं, और यही अपील उन्होंने अब मरकजी वजीर मालियात से की है कि जनाब इस पूरे मामले को देखा जाए और एक्सट्रीम एक्शन और एक्सट्रीम नोट जो है वो जारी किया जाए, एक ऑर्डर जारी किया जाए ताकि आवाम को किसी तरीके से कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मरकजी हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 20,000 तक की रकम जो है लिमिट एक दिन के अंदर एक आदमी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है, लगातार शिकायतें आ रही है। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात तो अपनी जगह, लेकिन आरबीआई ने भी इस पूरे मामले को दोबारा से मॉनिटर करने की बात कही है, और आरबीआई के जिम्मेदारों की तरफ से कहा गया कि तमाम रियासतों के मुंतजमीन जो है वो मुतहरिक होंगे और आवाम को किसी तरीके की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फिलहाल पहले दिन ही पसीने छूटे जम्मू कश्मीर के अंदर 2000 के नोट को तब्दील कर।